देखिए पहले समझिए वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण किसे कहते हैं, इनके भेद तथा परिभाषा लिखिए, है ना। तो यहाँ पे सभी का वर्ण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन होगा आपका वर्ण किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसका पहले लिख लेंगे, इसके बाद लिखेंगे। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। फिर ह्रस्व के बारे में लिखना है, एक उदाहरण यहाँ पर थोड़ा सा दिए हैं, और ह्रस्व का पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, परिभाषा, फिर उदाहरण लिखेंगे। दीर्घ का भी पहले डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। उसी तरह से आयोगवा का है, तो आयोगवा भी तीन होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं तो स्पर्श व्यंजन की किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ आपको अच्छे से सजा के लिखना है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये सभी को अच्छे से कॉपी में सजा के लिखिए, है ना।